please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भोपाल में मोटल को बंधक बनाने वाले आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। जुलूस निकालते वक्त कुछ महिलाओं ने आरोपी की पिटाई भी कर दी। आरोपी ने कल करीब 12 घंटे तक एक मॉडल को उसी के घर में बंधक बनाकर रखा था, जिसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लड़की को आरोपी के चंगुल से आजाद करवाया। आज पुलिस ने उसी आरोपी का जुलूस निकाला, जिस दौरान कुछ महिलाओं ने उसकी पिटाई कर दी। मर जाना चाहता हूँ। बताएं कि भोपाल की होशंगाबाद रोड पर एक पॉश कॉलोनी में फॉर्च्यून डिवाइन सिटी में एक युवती को बंधक बनाया था। कल मॉडल को बंधक बनाया था इसी शख्स ने, और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद इसलिए मारा गया क्योंकि वो घर में घुसा क्यों? लड़की ने घुसा इसलिए वो घर में घुसा, नहीं तो नहीं घुस सकता था। नहीं, क्या सजा मिलेगी उसको? सजा ये मिलनी चाहिए, फांसी। मेरा नाम मैं अपना गलत है, लोग गलत है। लोग विरोध कर रहे हैं, महिलाओं ने शख्स की चप्पलों से पिटाई की। मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। मनोज, पुलिस ने पकड़ा, मामला दर्ज हुआ, न्याय तो कोर्ट से मिलेगा ना, फिर जुलूस निकालने के पीछे क्या तर्क दे रही है पुलिस? कॉलोनी में लेकर पुलिस गई थी और ये जो तफ्तीश कराने लगे, क्योंकि एक जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस लेकर पहुंची थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि थाने के ठीक सामने ये कॉलोनी है, और किस तरह से वहां पर महिलाओं का गुस्सा निकला। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल पूरे दिन 12 घंटे तक इस कॉलोनी में एक खौफनाक मंजर था। लोग डरे हुए थे, महिलाएं अपने घरों में बैठी हुई थी, और इस लड़के की वजह से कॉलोनी के लोगों में एक जो डर था, वो डर लोगों का निकला। इस लड़के ने इस कॉलोनी के लोगों को एक जो खौफनाक मंजर दिया, वो डर लोगों का सामने निकला और उसकी पिटाई की गई। और फिलहाल लड़की भी कह रही है, जो लड़की थे जबरदस्ती दस्तखत कराए गए थे एफिडेविट में, अब लड़की भी कह रही है कि इस लड़के को फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल, और एक तरफा प्यार का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने क्या बताया इसको लेकर? हालांकि हम प्रतिक्रियाएं कुछ सुन रहे थे लोगों की। आस पड़ोस के लोगों को पहले के संबंधों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कल का जो नजारा था वो सभी ने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि जिस तरह लड़का लगातार 12 बजे तक लड़की को बंधक बनाकर रखा रहा, उसके बाद लड़की को उसने चाकू भी मारा है, लड़की के शरीर में निशान भी है, लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका खून बहा था, काफी खून बहा था, और वो बेहोश थी। और लड़की ने उस समय जो दबाव था, उस दबाव में लड़की ने लड़के से ये भी कह दिया था कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन अब बाहर निकलने के बाद लड़की ये साफ तौर पर कह रही है कि उसने दबाव में और एक तरह के डर में कहा था कि वो शादी कर लेगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं कहेगी तो ये लड़का उसे जान से भी मार सकता है। तो फिलहाल ये बातें सामने आ रही है। पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं, एक पुलिस के ऊपर हमला करने का और दूसरा लड़की को जान से मारने की धमकी देना, हमला करना और उसे कैद में रखना। इन तमाम धाराओं में दो मामले इस लड़के के ऊपर दर्ज किए गए और अभी थोड़ी देर बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल मनोज, आप रहिए हमारे साथ। हम बता दें दर्शकों को कि भोपाल में मॉडल को बंधक बनाने के मामले में छूटने के बाद आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। लड़की ने दावा किया है कि अगर कुछ देर में बाहर नहीं आती तो आरोपी उसे जान से मार देता। मॉडल का आरोप ये भी है कि पहले भी उसने उसे मारने की कोशिश की थी। मॉडल के मुताबिक आरोपी रोहित के डर से ही उसने शादी के लिए हामी भी भर दी थी। क्योंकि मेरे जान बचाने के लिए मैं कह देती थी, अगर वो सुखता में मना करती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो कैसे वो आपको प्रेशराइज कर रहे थे अंदर? उनका कहना यही था कि या तो फिर दोनों मर जाएंगे, वो मुझे मार देगा उसके बाद खुद मर जाएगा, या फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ तो बच सकती हूँ। तो जैसे कि अंकल से मेरी बात हुई, उनका कहना ये था कि वो बाहर ताला बंद करके गए, तो अंदर कैसे आ गया? ये चीज़ मुझे भी पता नहीं चली अभी तक, ये राज ही है कि वो अंदर कैसे आ गया, फिर से लॉक बाहर कैसे लग गया,
मुझे लग रहा है कि उसके साथ कोई और भी होगा जिसने ये काम में सहायता की उसकी। हाँ, और मुझे ये भी कहा था कि मैं फेमस भी हो जाऊँगा, देखिए कितनी मीडिया आ चुकी है, नीचे कितनी मीडिया आ चुकी है, तो मेरा तो नाम हो जाएगा उसका, मतलब इन सब चीज़ों से इंडिया लेवल पे नाम आ जाएगा, ये भी उसके दिमाग में था। इसलिए पुलिस से उसने बोला कि मीडिया वालों को बुलाओ, मीडिया वालों को बुलाओ, इस तरह की बातें करें, क्योंकि वो मॉडल था तो वो फेमस होना चाह रहा था। मॉडल नहीं था लेकिन मॉडलिंग एक्टिंग में जाना चाह रहा था। अच्छा, तो एक रीज़न ये भी था उसका, और दूसरा कि मुझे मारना भी चाहता था। शिरडी में साईं बाबा के दिखने के दावे के बाद आज भी वहां भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। दो दिन तक लगातार खुलने के बाद कल रात मंदिर के कपाट बंद किए गए थे साफ सफाई के लिए, लेकिन आज जैसे ही सुबह मंदिर के कपाट खुले, भक्त दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचने लगे। इससे पहले कल लोगों ने दावा किया था कि मंदिर की दीवार पर साईं बाबा की तस्वीर उभर कर आई है। जैसे ही ये बात फैली, लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी में प्रसिद्ध साईं बाबा का मंदिर है, और इस मंदिर में हर रोज देश और विदेश से तकरीबन 25,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। साईं मंदिर ट्रस्ट में जो प्रसादालय है वहां पर 25,000 हर घंटे रोटियां बनाने वाली मशीन एक दानदाता ने यहाँ पर डोनेट की है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है यहाँ पर। एक घंटे में इस मशीन से 25,000 रोटियाँ बनाई जा सकेगी। हर दिन करीब 70,000 से 80,000 श्रद्धालु यहाँ पर खाना खाते हैं, साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और ऐसे में ये रोटी बनाने वाली मशीन काफ़ी काम आने वाली है लोगों के। हर घंटे 25,000 ये रोटी बनाती है। ये अपने आप में अनोखी मशीन है। ये डोनेशन तब हुआ है जब एक तरफ मंदिर में साईं बाबा की छवि दिखने का दावा किया जा रहा है, उसी समय इस तरीके की मशीन भी इंस्टॉल करी गई है ताकि जो भक्त बढ़ रहे हैं उनको खाने के लिए जो सामान है, खासकर रोटियां, उसको अवेलेबल कराया जा सके। जो भक्त लगातार बड़ी संख्या में आ रहे हैं उनके लिए इस तरीके की मशीन से उनको प्रसाद ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मशीन से 25,000 रोटियां एक घंटे में बनाई जा सकती हैं, और ऐसे में मैकेनिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे प्रसादालय के लिए। तीन राज्यों के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रभारियों के साथ बैठक की, और बैठक में राहुल गांधी ने प्रभारियों के साथ टिकट बंटवारे पर भी चर्चा की। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। संगठन के बारे में चर्चा करिए कि किस प्रकार से हम टिकटों का वितरण करेंगे, हमने इसकी एक सीमा तय करी है। राहुल जी ने बताया कि वे जल्दी से ही इसमें कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। चुनाव अभियान किस प्रकार का होगा, राहुल जी कहां कहां सम्मिलित होंगे, कितने दिनों का होगा, ये चर्चा हमारी हुई है। आज जो हमने चर्चा की है राहुल गांधी जी के साथ, अपने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम जो 3 महीने चला लगभग, उसकी पूरी सूचना जानकारी उनको दी है, और आने वाले समय में उनके दौरे के लिए हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे, पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है तीनों राज्यों का। और अच्छा रहा कि हम तीनों राज्यों के सब लोगों ने मिलकर अपनी बात रखी और उनके व्यूज़ राहुल जी के हमने लिए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्वेल उर्म ने आदिवासियों पर दिए गए अपने बयान पर गलती मानी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को लोन लेने के लिए वो उत्साहित कर रहे थे। उर्म हैदराबाद में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनजातीय उद्यमी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि सिर्फ हार्ड वर्क मत करो, माल्या जैसे स्मार्ट बनो। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्वेल उर्म का वो बयान जिसमें उन्होंने बयान दिया और फिर विवाद बन गया। जिसका पास इंफॉर्मेशन रहता है वो पावर को कंट्रोल कर सकता है। आप भीड़ वाले आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन भीड़ वाले क्या है, वो चालाक है। और अब वो बयान केंद्रीय मंत्री ज्वेल उर्म का जिसको लेकर वो विवादों में आए हैं। आपने विजय माल्या को स्मार्ट कहा है कि ही हैज इन्फ्लुएंस द बैंकर्स पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट। वास्तव में ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स लोगों को एनकरेज करने के लिए मैंने विजय माल्या का नाम गलती से उदाहरण दिया, ये मेरा गलती हुआ है। और दूसरा कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन का अगर एग्जाम्पल दिया होता तो ठीक होता, इसके लिए मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ। और मंत्री के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विजय माल्या को बीजेपी का आदर्श बताया।
भाजपा का एक मंत्री जिसके कार्यकाल में विजय माल्या भाग के गए हैं, वैसी प्रेरणा दे रहा है कि बनो, यानी विजय माल्या अब भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हो गए हैं, आइडियल हो गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर और लखनऊ में मस्जिद बनाने की पैरवी करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। आजम खान ने शिया वक्फ बोर्ड को उनकी दी गई दलील पर शुक्रिया अदा करते हुए तंज कसा। आजम खान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शिया वक्फ बोर्ड ने सारी मस्जिदों को मंदिर में बदलने को नहीं कहा, इसके लिए उनका शुक्रिया। ताज्जुब की बात नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता। शुक्र है उन्होंने सारी मस्जिदों को मंदिर में बदलने के लिए नहीं कहा, जितना कहा उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बड़ा एहसान किया उन्होंने इस्लाम पर। और वहीं निर्मोही अखाड़े ने जमीन के टुकड़े करने का विरोध करते हुए वहां भव्य मंदिर बनाने का दावा किया है। वो शुद्ध रूप से वो जमीन भगवान राम की जन्मस्थली है और हिंदू जनमानस का वो विश्वास का आस्था का केंद्र है, इसके नाते वो जमीन किसी का नहीं है, राम जी का है, वहाँ भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे को लेकर शिया वक्फ बोर्ड की दलील के बाद AIMM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, अमित शाह पर भी हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा, हैदराबाद में अमित शाह ने कहा कि मंदिर आम चुनावों से पहले बन जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमित शाह खुद ही फैसला लिखने लगे हैं, जबकि फैसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अच्छा होता कि फैसला चुनावों के बाद आता, ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाते। और वहीं जमीयत उलेमाए के सचिव ने दावा किया है कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। मत नहीं है कि वहाँ पर एक ईंट रख के, इसलिए क्या कंडम ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर कोई एक ईंट वहाँ रखेगा तो। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता वहाँ पर कोई तामीर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहाँ राम मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, तो फिर हम मुसलमान खामोश हो जाएंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। बिहार के समस्तीपुर में सैकड़ों महिलाओं ने गांव में निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर का घेराव कर दिया। इनका आरोप है कि कचान को रोकने के लिए किए जा रहे काम को रोक दिया गया, जिसके बाद गांव वालों ने कचान रोकने के काम का निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर की कार रोक ली और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान इंजीनियर उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन महिलाओं ने उसकी एक नहीं सुनी और हंगामा बढ़ता गया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि बागमती नदी में सड़क का कटान लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जाने आने का रास्ता है, वो रास्ता जो है बागमती में विलीन हो रहा है इसीलिए, और इस पर विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर ने दावा किया कि कटान को रोकने के लिए काम बंद नहीं किया गया है, काम ब्रेक नहीं किया गया है। लेकिन गांव वाले नहीं माने और हंगामा करते रहे, जिसके बाद नाराज गांव वालों ने कटान को रोकने का काम कर रहे लोगों को भी वहां से भगा दिया।